अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है। मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं माय बिजनेस सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। पहले सबको ईद मुबारक और सबकी ईद अच्छी गुजरी होगी और मेरी भी अच्छी गुजरी। थोड़ा देर हो गई, ईद पे व्लॉग बनाया था तो ईद पे ही पोस्ट करना था लेकिन थोड़ा देर हो गई, सॉरी फॉर दैट। मज़ा बहुत आया ये मेरी पहली ईद थी जिस पे ईद नमाज जो थी ना मुझे बड़ा यूनिक लगी, क्योंकि थोड़ा मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मौल साहब ने तो बयान किया ठीक है, फिर जब कहा कि नमाज शुरू करते हैं तो माइक उनका बंद हो गया, तो लोग परेशान। अब पता नहीं क्या करें और सब, मैं भी परेशान था कि अभी नमाज पढ़े नहीं पढ़े। फिर तो यह बात पता पड़ा कि अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर जैसे लोग खुद ही बोलते हैं तो वो आवाज़ करना शुरू कर दिया, इसका मतलब नमाज शुरू हो चुकी है। फिर हमने बस उसी के जेस्चर पे उसी के वॉइस पे पढ़ना शुरू किया। फर्स्ट टाइम ऐसी यूनिक नमाज पढ़ी, क्योंकि इसमें तकबीरें ज़्यादा होती हैं, जो मेल हज़रात हैं उनको पता है, जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको पता होगा, फीमेल को शायद ना पता हो। तो तकबीर बस पढ़ ऐसे हुआ, बहुत इन्जॉय किया, फर्स्ट टाइम ऐसी नमाज पढ़ी है, मतलब किसी के आवाज़ से बड़ा मज़ा आया। और फिर मीठा खाया और फिर इन्जॉय किया। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन ईद थी और फ्राइडे था तो बहुत सारे काम किए। तो मैंने कहा एक अच्छा सा व्लॉग बनाया और लोगों के लिए। तो अब जो है मैं शुरू कर रहा हूँ, आपको पता है 9 बजे से ट्रेनिंग, जिसको सीखनी है वो आए रब्ता करें। देखिए भाई, आप सब ये कहते हैं फ्री में कराएं, ये फ्री में, तो फ्री में मैं करा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन पूरे मंथ 2 मंथ 3 मंथ तक आदमी नहीं फ्री करा सकता। ये थोड़ा आप उस लेवल से सोचें कि यार एक बंदा आपको टाइम दे रहा है, चलो 1 घंटा दीजिए 2 घंटे। बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड हैं, क्लाइंट हैं, जो मुझसे रब्ता करते हैं, मंथ में 1 दफ़ा पूछ लेते हैं 2 दफ़ा पूछ लेते हैं, तो वो कोई इशू नहीं है। लेकिन डेली बेसिस पे तो सिखाने के लिए तो ऑफकोर्स नॉमिनल फ़ी होनी चाहिए, और बहुत मैं नॉमिनल फ़ी लेता हूँ, इतनी ज़्यादा नहीं लेता कि लोग कहे कि अरे तो बहुत ज़्यादा फ़ी है उसके बाद ये है, लेकिन सीखने और सिखाने का अमल जारी है ठीक है। इसके अलावा बिज़नेस जो ट्रेनिंग है, किस तरह बिज़नेस बनाया जाता है, उस पर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं कि बिज़नेस कैसे किया जाए, उसकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है, वो उसमें मज़ा भी आता है क्योंकि वो हम एम्पावर कर रहे होते हैं ठीक है जी। तो ये सारी ट्रेनिंग शुरू हो रही है 9 बजे से 10 बजे रात को, हम टाइम देंगे जूम पे, आप सीख सकते हैं। इसके अलावा कोई सवाल हो कि कैसे करें, क्या है रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जो भी है तो कमेंट करके पूछ सकता है, तो इंशाल्लाह आपको वो भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मैंने कहा ये सब व्लॉग बनाए और सबको ईद मुबारक फिर से, और सब जहाँ भी रहें खुश रहें और अपने आप को एम्पावर करते रहें, भले आप जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं या जो भी करें, अपने आप को एम्पावर करें और अपने आप में स्किल्स आएँ ताकि आप अर्निंग कैपेसिटी ले सकें। इसके अलावा जो भी इदारे काम कर रहे हैं इस पर भी, उनसे भी हमारी कोलैबोरेशन है, उनसे भी हम काम करते रहते हैं। तो मैंने कहा ये सारी बताएं चीज़ें और अपनी खुशियों में भी शामिल करें लोगों को और गरीबों को भी हेल्प करें, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं जिससे आपकी इनकम बढ़ सकती है। ज़रूरी नहीं आप जॉब करते रहें तो भी आपकी इनकम बढ़ेगी, आप गरीबों की मदद करेंगे, आप फ्लाई काम करेंगे तो भी इससे आपकी इनकम बढ़ सकती है। ये तो फिर मुझे ही पता है क्योंकि मैं क्या है किस तरह काम करता रहता हूँ, क्योंकि 3 चीज़ें हैं दौलत, खून और पैसे देने से बढ़ते हैं, और ये मेरे एक्सपीरियंस भी है। तो ऐसी चीज़ें क्या करें, और बाकी अपने आप को खुश रखें, पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव मत सोचें, और क्रिएटिव आइडियाज़ सोचें और क्या कर सकते हैं अपनी सोचें, परेशान मत रहें, परेशान होने से कुछ भी नहीं होगा, नेगेटिव ही आएगा, इम्पैक्ट आएगा और नेगेटिव ही चीज़ें आप आएंगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा ये सारी चीज़ें आपको बताएं पॉजिटिव नोट के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में, फिर नेक्स्ट व्लॉग में आते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।